नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जाप सुप्रीम और पप्पू यादव की मुश्किल बढ़ चुकी है। आपको बताते चले कि गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं पप्पू यादव, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को भी घेरते हुए नजर आते हैं। कोई भी मुद्दा हो, अगर गरीबों के पक्ष में नहीं होती है तो उसको लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं, सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से पप्पू यादव फेरे में पड़ चुके हैं। चलिए तो पूरी खबर क्या है बताते हैं विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में। पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 साल की सजा सुना दी है। उन्हें कोर्ट ने सड़क जाम कर धरना देने, यातायात बाधित करने, पुलिस बल के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है। ये सजा 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई है। गौरतलब है कि 17 जून 2003 का यह मामला है। पप्पू यादव के अधिवक्ता विजय आनंद के अनुसार फतुहा थाना क्षेत्र में एक बच्चा लापता हो गया था। उसकी बरामदगी की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फतुहा के NH 30 पर महारानी चौक के पास धरना दिया था। इस दौरान यातायात बाधित हो गया था। पप्पू यादव ने धरना नहीं हटाया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। घटना में लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने पप्पू यादव सहित 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। पुलिस ने 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को IPC की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 लोगों ने गवाही दी है, जिसके बाद उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। इस वजह से पप्पू यादव को 1 साल की सजा हो गई। क्यों हुई ये भी आपको बताया। और आपने हमेशा देखा भी होगा कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते आए हैं, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा शिक्षकों का हो, चाहे वो मुद्दा गरीबों का हो, हमेशा नजर आते हैं सड़कों पर इस तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। कई बार आंसू गैस भी छोड़े गए और तब भी पप्पू यादव धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और आज उनको 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो क्या थी पूरी खबर वो आपने देखा इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।